ये जो ड्राई वाला वाइप्स है इससे हम इसको, जो हमारा वेट वाला वाइप्स था उसको थोड़ा गीला हो गया था, तो उसके बाद अब इसको बिल्कुल ड्राई किया है। देखो कितना चमक रहा है, ताकि कोई भी डस्ट इसके अंदर ना रहे। अब निकालेंगे ये वाला, आप इसको निकाल सकते हैं। ये क्या स्टिकी होता है, ये जब कोनों पे देखो कोई डस्ट होती है उसको बाहर निकालता है। हमारा एक भी डस्ट का पार्टिकल इसमें नहीं रहना चाहिए। तो गाइस इसमें देखो कितने डस्ट के पार्टिकल जो किनारों पे लगे थे वो निकले हैं। अब इसको पूरा निकाल सकते हैं। अब ये हमारा नया वाला टेम्पर ग्लास है, इसको हम इसको सभी पर साफ कर लेते हैं। कहाँ गया हमारा, बहुत दिनों हो गए इसको रखे हुए, तो इसलिए इसको भी हम साफ कर लेते हैं। साफ हो गया गाइस, अब इसको हम एडजस्ट करते हैं। इसको निकालना पड़ेगा पहले यार, ये इसका एक है। अब इसको हम बड़ी सावधानी से इसके ऊपर एडजस्ट करते हैं। ये देखो इसके जो एयर बबल्स हैं इसके अपने आप इसमें निकल जाएंगे। प्रेस करके उसके एयर बबल्स को निकाल सकते हैं। ये देखो मेरे एयर बबल्स इसमें से निकल रहे हैं। हमको यहाँ से ये थोड़ा सा कोने पे बचा हुआ है, इसको भी हम ऐसे प्रेस करके इसका एयर रिलीज कर देंगे। ये देखो आपके सामने कितना अच्छा टेम्परेचर ग्लास लग के तैयार हो गया है, ना इसमें कोई एयर बबल दिख रहा है। अगर कॉर्नर पे कहीं पर भी अगर छोटा मोटा एयर बबल्स रह गया हो तो अपने आप एक दो दिन में वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा।